फ्रेंड्स, मैं प्रीति, प्रीति क्लास चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए चने की दाल को लौकी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बहुत सिंपल है लेकिन टेस्टी बहुत है। तो ये मैंने कैसे बनाई है, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लौकी ले ली है, उसे मैंने बारीक काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे बारीक काटिएगा ताकि जल्दी से पक सके। और उसके बाद हम गैस पे एक फ्राई पैन चढ़ा देंगे और उसके बाद एक बड़ा ऑयल चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को सुनहरा होने देते हैं। सुनहरा हो जाएगा तब मैंने इसमें तीन या चार बड़ी हरी मिर्च डाल दी। तीखा जैसे आप खाना चाहते हैं वैसे ही डालिएगा। उसके बाद हम ये चना है, मैंने एक छोटी कटोरी मैंने डाला है चना। थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि जो है दिखे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इस चने को भून लेंगे। हींग भी मैंने ऐड की थी। और उसके बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ताकि जो है लौकी में जब चने की दाल जब लौकी में डालती है ना, इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है ये सब्ज़ी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए जो लौकी और चने की दाल है एकदम मेरी पक चुकी है। और ये आपको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए चना कितने अच्छे से पक चुका है। अब हम इस जो लौकी का पानी है एक्स्ट्रा, उसे हम पका लेंगे। तो इसे हाई फ्लेम पे हम कर देंगे और इसे तब तक चलाते रहेंगे तक कि लौकी का पानी एकदम सूख नहीं जाता है और अच्छे से लौकी भून नहीं जाता है। तो ये लौकी देखिए पानी एकदम सूख चुका है, लौकी मेरी अच्छे से भून चुकी है। और लौकी जब अच्छे से भून जाती है तभी इसका टेस्ट आएगा। तो ये लौकी एकदम रेडी है। लास्ट में हम धनिया डाल कर इसे बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए लग रही है ना टेस्टी, और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार। ज़्यादा इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार रेडी होती है। तो देखिए तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।